जय माँ काली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर इस दुनिया में किसी व्यक्ति के दिल में, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके दिल में, दिमाग में और उसके यादों में अपना घर बनाना है, जगह बनाना है, तो सिर्फ एक पल चाहिए। आप देखे होंगे कि कई लोग साथ रहकर भी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते, और कई लोग सिर्फ एक मुलाकात में जगह बना लेते हैं, किसी का दिल जीत लेते हैं। आपको मैं ऐसे चीज को करने के लिए एक विधि बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। सनातन का सिद्ध प्रयोग है और बहुत ही सात्विक प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद सिर्फ एक ही दिन में व्यक्ति को आप अपने प्रेम में ला सकते हैं। इसे करने के बाद आप खुद जाकर उनसे मिल लीजिए, नहीं तो देखेंगे वह किसी भी तरह से आपसे मिल लेगी। बहुत ही आसान सा प्रयोग है, बशर्ते इसमें जो जो चीजें हैं, जो जो आवश्यकता है, उसे ध्यान से सुनिए। यह मंत्र के साथ साथ क्रिया है और क्रिया कर्म बनता है। तो इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो मन की भावना है, आपके अंदर से जो तरंगे निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। किसी के लिए गलत उद्देश्य से नहीं करना है। दूसरी चीज यह है कि आपको संपूर्ण विश्वास होना चाहिए इस प्रयोग के ऊपर, इस उपाय के ऊपर। समर्पण की भावना रखकर करना है मित्रों। उसके बाद देखिए इसका चमत्कार, आपकी किस तरह से मुंह मांगा परिणाम आपको मिलेगा। इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, उसे ध्यान से सुनिए। सामग्री चाहिए, इसमें आपको अग्नि प्रज्वलित करना है और हवन जलाना है, हवन के साथ आहुति देनी है। तो इन चीजों में आपको जो जो चीजें चाहिए, आम की लकड़ी जिससे आग जलाएंगे, देसी घी, आहुति देने के लिए, इस विधि को शुक्रवार को करना है और सूर्य अस्त होने के बाद करिएगा। रुद्राक्ष की माला से मंत्र रहेगा जो मैं बता रहा हूं आपको, उस मंत्र का आराम से धीरे धीरे 101 बार जाप करना है और आहुति देते जाना है। तो मंत्र इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनिए। ओम ह्लूम ह्लौम क्लीम फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्लूम ह्लौम क्लीम फट स्वाहा। यह हो गया आपके कर्म। इस कर्म को करने के बाद आप अगले दिन या फिर अगले दो दिन के अंतर्गत उस व्यक्ति से जाकर मिलिए या फिर उस व्यक्ति के पास कैसे भी चले जाइए। आपके अंदर की जो तरंगे हैं उसके लिए, जिसे आप चाहते हैं, उसके लिए बस मन में बोल दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यह प्रयोग करें उस समय आपके पास उसका कोई फोटो, कोई कपड़ा या फिर कोई भी ऐसी चीज, रुमाल वगैरह कुछ भी आपके पास होना चाहिए, और नहीं तो फोटो भी अगर मोबाइल में है तो भी चलेगा। उसके बाद दो दिन बाद मिलिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। वह व्यक्ति आपको ना नहीं बोल पाएगा, गारंटेड है मित्रों। जो जो चीजों को बताया उसको फॉलो कीजिए, और समझ में नहीं आए तो नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जय माँ काली।